नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ सुमन पाल लेकर बॉलीवुड की गलियारों से आपके लिए चटपटी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं शाहरुख खान की खबर से। शाहरुख खान का बर्थडे पिछले दिनों बहुत ही चर्चा में रहा। जवान स्टार ने अपना बर्थडे खुद कैसे मनाया उससे ज्यादा दिलचस्प ये था कि दुनिया भर में उनके फैंस ने उनके जन्मदिन को खूब सेलिब्रेट किया। लेकिन शाहरुख ने दुनिया भर में अपने चाहने वालों को बर्थडे पर एक बहुत खास तोहफा दिया। 2018 में आई जीरो के बाद से ही अपने चहेते स्टार को फिर से जोरदार लीड रोल में देखने का इंतजार कर रहे फैंस को बड़ा तोहफा मिला है। शाहरुख ने अपनी अगली फिल्म पठान का टीजर शेयर कर दिया है। 5 साल के ब्रेक के बाद शाहरुख अब जनवरी 2023 में थिएटर में धमाका करने आ रहे हैं। और इधर फैंस पठान में शाहरुख के लुक और उनके जोरदार एक्शन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उधर बॉलीवुड के बादशाह ने एक और एक्साइटिंग सी हिट दिया है। बता दें आपको, उन्होंने हिंट देते हुए बताया कि पठान 2 की तरफ शाहरुख का इशारा शाहरुख ने ही अपने बर्थडे पर मुंबई में एक खास फैन इवेंट के अटेंड किया है और अपने चाहने वालों को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया भी अदा किया है। इसी सिलसिले में अपने फैंस को शाहरुख ने कहा, आप लोग दुआ करो कि पठान की सीक्वल जो है वो बन जाए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको ये पठान पसंद आए। हम सब ने फिल्म पर बहुत मेहनत की है और दीपिका, जॉन, सिद्धार्थ आनंद और आदि यानी कि आदित्य चोपड़ा के लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ। आप दुआ करें कि फिल्म इतनी अच्छी लगे कि दूसरे पार्ट भी आए ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको और आगे देख सके। चलिए अब रुक करते हैं प्रियंका चोपड़ा की खबर की ओर। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा आज सिर्फ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है बल्कि ग्लोबल स्टार बन चुकी है। इंडिया से लेकर इंटरनेशनल सिनेमा तक उन्होंने अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका को पूरी दुनिया ने पहली बार तब देखा था जब उन्होंने मिस वर्ल्ड 2000 पेजेंट में जीता था। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पुराना ब्यूटी पेजेंट जीतकर ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और यहीं से उनके फिल्मों के दरवाजे थे वो खुल गए थे। मगर अब प्रियंका की जीत पर एक और बड़ा सवाल उठ रहा है। उसकी वजह है पूर्व मिस बारबाडोस लिलानी। जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रियंका के साथ मिस वर्ल्ड 2000 की रेस में रही लिलानी अब एक यूट्यूबर है और उन्होंने अपने एक वीडियो में 2000 की मिस वर्ल्ड पैसेंज में ही उन्होंने प्रियंका की जीत को फिक्स बताया और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भले ही सोशल मीडिया पर साउथ वर्सेस बॉलीवुड को लेकर कितना भी बवाल कटे, लेकिन दोनों ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक दूसरे से प्रेरित रही है। खासकर बात करें अगर पिछले कुछ समय से, तो पिछले कुछ समय से ही बॉलीवुड पर यह आरोप लगता रहा है कि कहानी और कॉन्सेप्ट के मामले में ये इंडस्ट्री साउथ की हिट फिल्मों पर कई बार निर्भर रही है। वॉन्टेड, कबीर सिंह, जर्सी जैसी तमाम फिल्में रही हैं जिनकी सक्सेस को बॉलीवुड ने भी भुनाया है। अब इस क्रम में ही जानवी कपूर फिल्म मिली की भी जुड़ने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार फिल्म हेलेन की ऑफिशियल रीमेक है और मिली का ही निर्देशन भी हेलेन के डायरेक्टर मधु कुट्टी ज्वेड ने किया है। आपको बता दें कि मधु कुट्टी को हेलेन के लिए ही 67वां नेशनल अवार्ड मिला था और मिली ही क्रिटिक्स की मानकों पर कितनी खरी उतरती है। देहरादून की रहने वाली मिली नोडियाल अपने पापा यानी कि मनोज पाहा की एक आदर्श बेटी है। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली मिली के सपने बड़े हैं और मिली कनाडा जाकर अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर जॉब करना चाहती हैं ताकि वो आगे जाके कुछ काम कर सके। फिलहाल एक इंश्योरेंस के एजेंट के रूप में ही काम करने लगती हैं और पापा की मदद में मिली शहर के एक मॉल में मौजूद फूड ज्वाइंट में पार्ट टाइम जॉब करती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर 7वें आसमान पर है, हो भी क्यों ना। आखिर उनकी फिल्म मिली को पॉजिटिव रिस्पांस जो मिल रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं अगर जानवी कपूर के फैंस के लिए एक खुशखबरी भी है। दरअसल एक्ट्रेस ने बांदा में ही एक अपना अपार्टमेंट भी खरीदा है जिसकी कीमत सुनकर आप होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, पापा बोनी कपूर और बहन खुशी कपूर के साथ मिलकर जानवी कपूर ने ये बंगला खरीदा है जिसकी कीमत 65 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिग बॉस हाउस में हर दिन रिश्ते और मुद्दे बदलते रहते हैं। जी हाँ,
खैर यही शो का पैटर्न है और इसीलिए रोमांस और ब्रेकअप झगड़े होना जायज सी बात है। पूरे हफ्ते घर के सदस्य को लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर हकीकत वीकेंड के वॉर पर सलमान खान बता ही देते हैं। और इस वीकेंड का वॉर भी सलमान कुछ सदस्यों की जमकर क्लास लेने वाले हैं और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शालीन भनोट का है। शालीन को सलमान से मिली फटकार शालीन भनोट ने ही बिग बॉस हाउस में जब से आए हैं तब से धमाका देखने को मिल रहा है और तब उन्होंने अब चिकन चिकन की रट जो लगा रखी थी, पहले कुछ दिन तो ठीक लगा पर अब शालीन का बच्चों की तरफ हर रोज चिकन मांगना हर किसी को परेशान कर रहा है, फिर चाहे वो शो के दर्शक हो या सलमान खान। वीकेंड का वॉर में सलमान खान सबसे पहले शालीन को चिकन के लिए फटकार लगाने वाले हैं और स्टेज पर आते ही सलमान और शालीन से कहते हैं, आपका चिकन इतना हो गया है कि टास्क शुरू होने से पहले, रात को सोने से पहले बिग बॉस आप ये सब भेज क्यों रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि ये भी बंद कर दो, आपका फोकस ट्रॉफी पर होना चाहिए ना कि चिकन पर। शालीन को डांट लगाते के बाद ही सलमान अर्चना गौतम पर आते हैं और सलमान खान अर्चना के कपड़े वीकेंड के ही वॉर आने से पहले नहीं आते उन्हें बताया जाता है कि कपड़े वैनिटी से ही चोरी हो गए हैं, जिसके बाद अर्चना का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है तो पूरे घर में शोर मचाती है, कहती है बिग बॉस की टीम ने कपड़े चोरी कर लिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि अर्चना सलमान के सामने जोकर बनकर आती हैं। ये देखकर दबंग खान कैसे चुप होते हैं, बस फिर क्या था, अर्चना से कहते हैं, पता नहीं आप किन लोगों के साथ उठती बैठती हैं, जो कि आपके कपड़े चुरा लेते हैं। फिलहाल बॉलीवुड की खबरों में इतना ही और ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।